सो हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आप उनसे हमेशा पूछते रहते हो कि इंडियन स्नेक्स के बारे में कैसे जाने, सारे के सारे स्नेक्स के बारे में कैसे जाने, रेप्टाइल्स के बारे में कैसे जाने। तो इन सबका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में ले आया हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन सारे के सारे इंडियन स्नेक्स के बारे में कैसे जान सकते हो, वो भी घर बैठे। आपको कहीं बाहर निकलने का भी जरूरत नहीं है, किसी से कोई पूछने का जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आप उस स्टेप्स को फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, आप सारे स्नेक्स के बारे में जान जाओगे, इंडिया में पाए जाने वाले, एंड आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्योंकि यू नो, जैसा फोटोग्राफ में दिखता है सामने में वैसा हो ये जरूरी नहीं है, हर स्नेक्स अलग हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस चीज को फॉलो कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए मुझे लैपटॉप पे चलना होगा, तो मैं लैपटॉप पे चलता हूँ। तो आई एम बैक ऑन लैपटॉप और मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि आप क्या क्या कर सकते हो। वेल, मैं जो लैपटॉप में कर रहा हूँ आप अपने फोन पे भी कर सकते हो, तो उसका आपको चिंता नहीं करना। ओके, सो लैपटॉप में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम पे खोलना है और वहां पे आपको जाके सर्च करना है चेकलिस्ट ऑफ इंडियन स्नेक्स। तो ये मैं सर्च कर रहा हूँ, चेकलिस्ट ऑफ इंडियन स्नेक्स। यहाँ पे आपको indianSnakes.org का चेकलिस्ट ऑफ इंडियन स्नेक्स आ जाएगा, उससे आपको क्लिक करना है। तो इसमें 300 स्नेक्स का नाम और उसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो आपको एज इट इज इसको या तो डाउनलोड कर लेना है या तो आप इसे लिख भी सकते हो। मैं लिखना प्रेफर करूंगा क्योंकि लिखने से आपको याद होगा। तो ये सब देख सकते हैं, इसमें 300 स्नेक्स का नाम और साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, तो आप आराम से इसे लिख लो, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको अगर फर्दर और ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप रेप्टाइल डाटाबेस एक साइट है, वहां पे आप जाके एक एक करके आप स्नेक्स के बारे में सर्च कर सकते हो और फिर उसके बारे में जान सकते हो। या फिर आप वहां पे भी इंडियन स्नेक्स की पूरी लिस्ट निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके आप उसके एडवांस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ एडवांस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सर्च कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। लाइक आप यहाँ पे हाइयर टैक्सा सर्च कर सकते हो, यानी आप लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल वगैरह ये सब सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सर्च करते ही आपको उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो रेप्टाइल डाटाबेस में अपलोडेड है। ट्रस्ट मी, अगर आप क्रोकोडाइल्स डालोगे तो आपको पूरे क्रोकोडाइल्स की लिस्ट आ जाएगी, लिजर्ड डालोगे पूरे लिजर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी। बट आपको उतना ज्यादा अगर जानना है तो आप कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो आप उस पे मत पढ़ो। आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जीनस के हिसाब से, इसके हिसाब से आप फिल्टर आउट करके आप जान सकते हो स्पीसीज के बारे में। लाइक मैं यहाँ हाइयर टैक्सा में डाल देता हूँ स्नेक, एंड देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देता हूँ इंडिया, और फिर मैं जैसे यहाँ पे सर्च करूंगा यहाँ पे इंडियन स्नेक्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास। जैसे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है, और मैं जैसे कि मैं इस स्नेक पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। तो ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, इसके बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको पहचानना कैसे है वगैरह, हर चीज आप जान सकते हो। वरना ये कुछ एप्स हैं, आप इन एप्स पे भी जा सकते हो, ये एंड्रॉयड एप्स हैं और मे बी एप्पल पे भी अवेलेबल हो। सो आप इन एप्स पे जाके आप फर्दर रीडिंग भी कर सकते हो। अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट बोलूं तो मुझे स्नेक हब पसंद है, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बहुत यूजर फ्रेंडली भी है। तो आप वो कर सकते हो, उस पे जाके आप स्नेक्स के बारे में जान सकते हो। नाउ आप स्नेक्स की लिस्ट निकाल ली, आपने फोटोग्राफ भी देख लिया, उसे जान भी गए, बट जो रियल थिंग होता है ना वो बहुत ज्यादा स्केची होता है। आप रियलिटी में ऐसे स्नेक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट मी। आपको फोटोग्राफ में जैसा दिखाई देगा रियल इंसिडेंस उससे बहुत ही अलग हो सकता है, स्नेक बहुत ही अलग दिख सकता है, उसके डिफरेंट मॉर्फ्स होते हैं, एल्बाइनो तक होते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजों का कैसे टैकल करोगे, ये टैकल तभी होते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो।
वो एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि एज अ बिगिनियर आपको डायरेक्ट फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, आपको पहले पूरा पूरा सीखना चाहिए, देन आपको फील्ड में उतरना चाहिए। और आप फील्ड पे भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, बट फील्ड से अच्छा होगा कि अगर आप पहले ही एक्सपीरियंस गेन कर लो, ताकि फील्ड पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यू नो दिस इज अ डेंजरस थिंग। आप वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स में अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चीज का, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कभी ऐसा हो, तो इसीलिए आपको पहले ही ये चीज सीख लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फेसबुक पे ये ग्रुप है स्नेक्स ऑफ इंडिया, इसके जैसे और भी ग्रुप्स हैं, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि लोग फोटोग्राफ्स और वीडियोज अपलोड करते हैं अगर उनको कोई स्नेक दिखाई देता है तो, और फिर लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ये कौन सा स्नेक है। तो आप इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप जाके बस चुपचाप कमेंट कर दो कि हाँ ये है। अगर वो आपको, अगर वो गलत हुआ तो आपको एडमिन करेक्ट कर देगा, और अगर वो सही हुआ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका गलत भी हुआ तो आप गलती से सीखोगे जरूर, आप इसमें फिर जाके फर्दर पूछ भी सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप चिंता मत करो, कभी भी किसी टाइप का प्रॉब्लम हो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। आपको कोई भी स्नेक दिखाई देगा अगर, तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं भी बता दूंगा। बट आप अच्छा रहेगा कि आप इस फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर लेंगे। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये एक आदमी ने यहाँ पे पोस्ट किया है, टुडे आई फाउंड अनदर वन नियर माई रूम, आईडी प्लीज, यानी कि इसे आइडेंटिटी पूछ रहा है कि ये कौन सा स्नेक है, इसका आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कार निकोबार आइलैंड, तो वहां पे निकोबार आइलैंड पिट वाइपर मिलता है, तो ये वही हो सकता है, यू नो। बाकी आपको अदर भी दिखा सकते हैं, लाइक वहां पे रेस्क्यू, इसमें इस ग्रुप में रेस्क्यूअर्स जो होते हैं वो अपने रेस्क्यू का भी डाटा रखते हैं, मैं भी फोटोग्राफ अपलोड करते रहता हूँ इस पे। और जैसे ये देख सकते हैं, इस आदमी ने अपलोड किया अरुणाचल प्रदेश से इस स्नेक के बारे में। अब आपको स्नेक थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, मे बी आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, ये है एक आसाम स्नेल इटिंग स्नेक जो थोड़ा रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये वो स्नेक। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि ये असम स्नेल ईटर है, बिल्कुल नॉन वेनमस है। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे यहाँ पे मिल सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि आपको इस चीज में पार्टिसिपेट करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। आप गलत हो या सही हो आप सीखोगे जरूर, तो आप पार्टिसिपेट करते रहो। और आपको कोई स्नेक मिला और आपको उसके आइडेंटिफिकेशन समझ में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे आप डीएम भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा स्नेक है उसके बारे में। तो ये था वो काम। आप मैं इसके बाद स्नेक की हैंडलिंग के बारे में वीडियो बनाने वाला था, बट अभी थोड़े से लॉज चेंज हो रहे हैं और वो लॉज अच्छे के लिए चेंज हो रहे हैं, दैट्स वाई मैं अभी वो नहीं बना पाऊंगा। बट अगर आपको मॉनिटर लिजर्ड्स पसंद है तो मैंने ये लास्ट वीडियो बनाया था, आप ये चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत लोगों का हेल्प करने वाला है। सो ये था वो वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा और ये तरीका आपको कैसा लगा घर बैठे बैठे इन सारे इंडियंस स्नेक्स के बारे में जानने का। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड दैट्स ऑल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।